दोस्तों वैसे आप लोगों ने बहुत सारे रहस्यमय मंदिरों के बारे में सुना और उसे देखा होगा, और कई सारे मंदिरों के बारे में तो हम अपने चैनल पे भी बता चुके हैं। दोस्तों हमने स्वर्ग जैसे मंदिरों के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दुनिया का इकलौता नर्क मंदिर। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंदिर शब्द सुनते ही एक ऐसा उद्देश्य उभरता है जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान और श्रद्धालु भक्त उनकी पूजा कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हो। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड चियांग माई शहर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालु नर्क के दर्शन करने आते हैं। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे भक्त किसी देवता की पूजा करने नहीं आते हैं, यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा के दुष्ट कर्मों के लिए भोगे जाने वाले कष्ट को देखने आते हैं। दोस्तों ये मंदिर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रेरित है। आप लोगों को बता दूं कि थाईलैंड में प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है, ऐसे में यहाँ के सभ्यता तथा संस्कृति में भी काफी हद तक भारतीय प्रभाव रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 700 किलोमीटर दूर चियांग माई शहर में लगभग 300 मंदिर माने जाते हैं। लेकिन ये नर्क मंदिर अपने आप में ही नहीं अनोखा है बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता नर्क मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर को बनाने का मूल विचार एक बौद्ध भिक्षु का था। वह लोगों को बताना चाहते थे कि पाप करना तथा पीड़ा पहुंचाने का परिणाम अंत में दुखदायी होता है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने नर्क की परिकल्पना करते हुए एक ऐसा मंदिर बनाया जहां मौत के बाद आत्मा द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों को आप देख सके। यहां लगी हुई भयानक मूर्तियां केवल नाम से ही नहीं बल्कि देखने में भी यह मंदिर नर्क की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। मौत के बाद किस तरह की यातनाएं दी जाती है उसको प्रदर्शन करने के लिए मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यहाँ की हर मूर्ति नर्क के कष्टों और पीड़ा का संकेत देती है। इस मंदिर में लोग अपने पापों का प्रायश्चित तथा पश्चाताप करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को वेट में केट नोई टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि जो इस मंदिर का दर्शन कर लेता है वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पाप धोना है तो हमारे यहाँ गंगा भी है। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।